मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में बिजली चोरी का मामला सामने आया है। एक शिकायत मिलने के बाद जब बिजली विभाग की टीम जांच करने पहुंची तो मामला सही पाया गया, जिसके बाद पुलिस में तहरीर दी गई, साथ ही 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। शाही ईदगाह में हमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी, उस शिकायत प्राप्त के बाद हम लोगों ने वहां पर चेकिंग की और चेकिंग के दौरान हमें बिजली का कोई कनेक्शन संयोजन नहीं पाया गया। अवैध तरीके से बिजली जलाई जा रही थी, कनेक्शन को मौके पर ही डिस्कनेक्ट किया गया और तत्पश्चात विभागीय नियमानुसार 135 में उस पर कार्रवाई की गई, अग्रिम कार्रवाई की जा रही। सर, अगर बात करें तो जुर्माना की बात है तो कितना जुर्माना लगाया गया, क्या कार्रवाई की जा रही है? विभागीय नियमानुसार लगभग 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और जुर्माना जमा करने के लिए निर्देशित किया गया है। टीम शाही ईदगाह कमेटी द्वारा जुर्माना जमा करने के पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, FIR हो गई? हाँ, 135 में FIR। शाही ईदगाह मस्जिद में बिजली चोरी का मामला उस वक्त सामने आया जब शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर जिला अधिकारी और बिजली विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया। जब मथुरा में शाही ईदगाह बनी है तभी से ये लोग बिजली चोरी कर रहे थे, उसकी शिकायत हमने माननीय मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री से की थी। उसके 8 दिन बाद बिजली विभाग संज्ञान में लिया और उन्होंने छापा डाला। छापे के दौरान 4035 किलोवाट का लोड पकड़ा गया और उन्होंने बिजली विभाग के SDO विकास शर्मा ने तनवीर अहमद जो ईदगाह कमेटी के सचिव हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। हमारी मुख्यमंत्री से मांग है कि ये अधिकारी बिजली विभाग के और ईदगाह कमेटी के लोग आपस में मिलकर बिजली का जो जुर्माना होने वाला है उसको कम करने में लगे हुए हैं, तो यदि इन्होंने जुर्माना राशि कम की गई तो हिंदू महासभा आंदोलन करेगी। कार्रवाई के बाद शाही ईदगाह मस्जिद में अंधेरा छा गया है। अब जब तक मस्जिद को नया बिजली कनेक्शन नहीं मिल जाता तब तक बिना बिजली के ही काम चलाना पड़ेगा।